सावित्री बाई फूले अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, सावित्री बाई फूले अमर रहे। नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता सावित्री बाई फूले की जयंती मनाई गई। गया के स्थानीय अनुग्रह नारायण रोड में कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता कौशल विकास के उत्प्रेरक महिलाओं मजदूरों के बीच भारत की पहली महिला शिक्षक नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता सावित्री बाई फूले की 192वीं जयंती मनाई गई। सर्वप्रथम सावित्री बाई फूले के चित्र पर माल्य अर्पण के पश्चात उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर उपस्थित बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रतिनिधि सह प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिठू, पूर्व विधायक मोहम्मद अली खान, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष बाबूलाल प्रसाद सिंह, राम प्रमोद सिंह, प्रदुमन दुबे, शिव कुमार चौरसिया, शर्मन पासवान, मिथिलेश सिंह, टिंकू गिरी, वाल्मीकि प्रसाद, राहुल चंद्रवंशी, अशोक राम, विपिन बिहारी सिन्हा, कुंदन कुमार, उदय शंकर पालिक, मुन्नी देवी, चंपा देवी, मीरा देवी, खुशबू कुमारी आदि ने कहा कि सावित्री बाई फूले महान समाज सुधारक, दार्शनिक एवं कवित्री थी। उनकी कविताएं अधिकतर प्रकृति, शिक्षा और जाति प्रथा को खत्म करने पर केंद्रित होती थी। ऐसे वक्त जब देश में जाति प्रथा अपने चरम पर थी, उस समय भी वो अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया करती थी। नेताओं ने कहा, सावित्री बाई फूले जब स्कूल जाती थी तो विरोधी लोग उन पर पत्थर मारते थे, गंदगी फेंकते थे, परंतु सभी सामाजिक मुश्किलें को झेलते हुए आधी आबादी को शिक्षित बनाने हेतु जीवन भर संघर्ष किए। नेताओं ने कहा कि आज सावित्री बाई फूले देश की महिलाओं की महानायिका है, जो हमेशा हर बिरादरी और धर्म के लिए आजीवन काम किया। नेताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव में तथा राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में नए महिला आरक्षण विधेयक के तहत 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने की आवाज भी बुलंद किया है। देश की पहली महिला शिक्षिका जिन्होंने देश में की आधी आबादी महिलाओं को शिक्षित बनाने का पहला मुहिम शुरू करने वाली सावित्री बाई फूले की जयंती आज हम लोग अनुग्रह नारायण रोड में हमारी कर्मठी महिलाएं जो यहाँ पर उदूर उद्योग चला करके यहाँ पर अपना जीवनोपार्जन कर रही है और पढ़ाती है अपने बच्चों को, इसलिए आज इस महान आत्मा का, इस महान महानायक महिला का जयंती हम लोग मनाते हुए देश के आधी आबादी को शिक्षित सशक्त बनाने का अपील करते हैं और सावित्री बाई फूले को आज नमन करते हुए देश के महिलाओं को आधी हिस्सेदारी, सभी चीजों में आधी भागीदारी और जल्द से जल्द सांसद और विधायक में भी इनका 33% रिजर्वेशन जल्द हो के लिए हम लोग काम करेंगे। जय हिंद, जय सावित्री बाई फूले। जय जय।